हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 का एक मैथ करेंगे, तो आइए देखते हैं क्या है। क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का है 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। बोल क्या रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर के रस्सी पर चढ़ता है। जो रस्सी है विच इज टाइटली स्ट्रेट बंधा हुआ है एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। वर्टिकल एक पोल है, ये एक पोल है वर्टिकल, सीधा वहां के टॉप से एक रस्सी बंधा हुआ है टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे ये रस्सी रोप मेरा, ये वर्टिकल पोल, यहाँ के टॉप से एक रस्सी बंधा गया है ग्राउंड पे, और वो जो है रस्सी 20 मीटर का उस पर चढ़ रहा है। तो बोल रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल, ये पोल है जो वर्टिकल पोल, उसका हाइट पूछ रहा है। इफ द एंगल मेड बाय दी रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और ये जो रस्सी जो ग्राउंड लेवल, ये है ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बना रही है, बंधा हुआ है जो, ये 30 डिग्री का बना रहा है, तो ये हाइट हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पता होना चाहिए। तो हमको इसमें पहले देखना है दिया क्या क्या। अब ये राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, तो इसका क्या दिया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटिनस है। राइट एंगल ट्रेंगल 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटिनस होता है, तो ये 20 डिग्री है, 20 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ दिया हुआ है क्या, हाइपोटिनस। पूछ क्या रहा है हमसे, ये पोल परपेंडिकुलर, तो हमको अब ये देखना है पी और एच किस फॉर्मूले में आता है, पी एच। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है पी वाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस मेरा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे और वही हो जाएगा इसका हाइट। और मेरा हाइपोटेनस दिया हुआ है कितना, 20 मीटर, और इसका परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा मेरा हाइट। ठीक, ये हो जाएगा इसका, अगर परपेंडिकुलर निकाल देंगे तो वही पोल का मेरा हाइट हो जाएगा। तो अब देखिए साइन 30 डिग्री, डिग्री यहाँ दिया हुआ, थीटा की जगह 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ, 1/2, और ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बराबर। ठीक, अब हाफ हो गया, परपेंडिकुलर मेरा नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है 20, सॉरी परपेंडिकुलर का पी लिख देंगे और हाइपोटेनस मेरा दिया हुआ है 20 20 लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 20 पी होगा, और वो इधर आ जाएगा 2 डिवाइड में इक्वल टू पी, ये 10 बार में कैंसिल, मेरा परपेंडिकुलर इक्वल टू आ गया 10 मीटर। ठीक, ये परपेंडिकुलर है, ये आ गया 10 मीटर, और यही हमसे पूछ रहा था पोल का हाइट। तो हाइट ऑफ पोल मेरा हो जाएगा 10 मीटर आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।